अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। हम दिन गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। ये भिड़ंत, ये तकरार, ये तल्खी, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में तो हर रोज ही ऐसा देखने को मिलता है, मगर इस बार ये तकरार ऑन कैमरा नजर आई। दिल्ली के एलजी विकेश सक्सेना और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते पानी के बीच दिल्ली की सियासत भी बढ़ रही है। यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। आईटीओ की सड़क लबालब भरी हुई है, लेकिन हालात का जायजा लेने पहुंचे एलजी विकेश सक्सेना और आप मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में तकरार दिखी। पहले जरा एलजी विकेश सक्सेना की ये बात सुनिए। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात हो सकती है, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सुबह मेरी 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम दिन गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के एलजी को ब्लेम गेम वाली बात क्यों कहनी पड़ी, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। सुनिए केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर एलजी के शब्द थोड़े तल्ख हो गए। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती सर। बताते चले कि दिल्ली में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईटीओ इलाके का दौरा किया। इन्होंने दावा किया कि अगले कुछ घंटों में राहत नजर आएगी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि उनकी पीएम मोदी से बात हुई है, उन्होंने शहर का हाल जाना है। रेगुलेटर है दिल्ली जल बोर्ड का, आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और इतना मोटा रेगुलेटर है, ये भी मुड़ गया पूरा का पूरा। और जब वो एक प्लेट थी वो ऐसे मुड़ गई तो साइड में से और नीचे से पानी शहर के अंदर एंटर करने लग गया। तो अब इसको रिपेयर कर रहे हैं, सारी रात यहाँ पे इंजीनियर्स ने कोशिश की है। हमें लगता है 3-4 घंटे के अंदर काबू हो जाना चाहिए। कल फिर बारिश आने का अंदेशा है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल स्तर जो नीचे जा रहा है वो नीचे ही जाता रहे। सभी जो भी करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे आज कल शाम से ये ब्रीच का पता चला तो पूरी रात सौरभ भारद्वाज यहीं पे थे और मजदूरों से करा रहे थे। अब सुबह आर्मी और एनडीआरएफ आए हैं और साथ मिल के कर रहे हैं। 32 वहाँ पे गेट थे जिसमें से 5 गेट खुल नहीं पाए, वो हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, उनको भी खोलने की कल से कोशिश जारी है। हरियाणा मेंटेन करता है उसको, हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं वो, तो कर वो लगे हुए, सब लोग लगे हुए उसमें। अभी इस टाइम एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है। एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, मगर उनके नेता कह रहे हैं कि भाजपा को सर मानी चाहिए। गौरतलब है कि यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अब भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पानी भर चुका है। नदी के किनारे बस्तियों से आगे बढ़कर पानी लाल किला और रिंग रोड को पार करते हुए राजघाट तक पहुंच गया है।